सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 10 मार्च 2023 और मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ। अभी मुँह नहीं धोया हूँ, पीछे बस आया देखने के लिए अपने खेत में। ऐसे घूमते घूमते पीछे आया वो, काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। लगभग 4 तारीख को मैं गया था बुआ के यहाँ, बाबा और गुल्ली को लेकर के। 4-5 वहाँ पर रहे, काम था कुछ, वो गन्ना बुआ रहा था, आप लोग देखे ही। फिर उसके बाद बुआ के आए 6 तारीख को, 6 को नहीं आए, 7 तारीख को आए थे। 7 तारीख को आए बुआ के यहाँ से मामा के यहाँ, और उस दिन होलिका दहन था यहाँ पे। और तो होली मतलब वो सम्मत जलाया गया। फिर उसके बाद से टाइम ही नहीं मिला मुझे, मतलब इतने दिनों से एकदम बिजी। उसके बाद होली ख़त्म हो गया 8 तारीख को। 9 तारीख को सुबह में घर आ गया, आज 10 तारीख है और आज से मैं फ्री हूँ। मतलब लगभग आज से अब बहुत टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा ख़त्म हो गया है। अब सोच रहे हैं क्या करें, कुछ करना है। सो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा, आने वाले ब्लॉग में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही सीन है, इतने दिनों से बिजी शेड्यूल चल रहा था। बाबा भी अब उनका आँख भी ठीक हो गया है, घर पे हैं, और गुल्ली भी सब अपने घर ही पे हैं। होली बीत गया, वो लोग भी सब जितना ब्लॉग में देखे हो मामा के यहाँ ना, सारे लड़के जाने वाले हैं 12 तारीख के बाद से बाहर। 12 तारीख के बाद से नहीं, 12 तारीख को डेट फिक्स किया गया। 12 तारीख का सबका टिकट हुआ है, मतलब कम से कम 10-15 लड़के जाएंगे, लोग बाहर चले जाएंगे। बम्बई पुणे शायद जाना है, शायद कि अहमदाबाद से, मतलब कहीं भी जाएंगे लोग, सब चले जाएंगे। गुल्ली भी जा रहा है, राजवीर भी जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। मैं घर पे अकेले, मैं भी देखता हूँ कुछ ऑप्शन आता है मेरे लायक तो मैं भी जाऊँगा, नहीं तो फॉर्म भरा हूँ, देखते हैं। और यही सीन है, यही सब चल रहा है आजकल। तो कुछ काम आजकल तो बीत गया, आने वाले कल में अभी तो कुछ नहीं काम है, बस घर ही पे हैं, ऐसे ही है। और ये गेहूं में आया था मैं देखने के लिए, मतलब पास से, वैसे तो देखते ही रहते हैं छत पे से, घर पास ही में है। नीचे वाला भी गेहूं पूरा फूट गया है, और ये हरा हरा थोड़ा है, और ये इसमें पीला पीला, ये मतलब पूरा प्योरली फूट गया है, क्योंकि ये उससे काफ़ी दिनों बाद, मतलब लगभग मुझे लग रहा है 20 दिन लेट उससे है, इससे 20 दिन बाद ये है। लेकिन सीजन का असर है, तो साथ ही साथ में फूट गया है दोनों, ये भी फूट गया है, ये तो पीला हो रहा है, अब इसमें पीला पीला सा दिखाई दे रहा है, और ये अभी हरा भरा है पूरा। तो मुझे लग रहा है कि 20-25 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में गेहूं कटने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रामनवमी के बाद से ही गेहूँ कटते हैं। और रामनवमी इस बार मार्च में ही 29-30 तारीख को है, इसी महीने के लास्ट तक। तो मुझे लग रहा है इस महीने के लास्ट तक ही कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही पहले हो गया है। और इस बार रामनवमी में भी देखो जाना होता है कि नहीं मामा के, क्यों मैं वहीं रहा हूँ, मज़ा आता है। लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, तो जाना होना भी उतना नहीं बनता है, कभी कभी चले जाते हैं। पिछली बार नहीं गए थे, उसके बाद भी नहीं गए थे, इस बार होली में गए थे, और रामनवमी है इसी महीने, देखो जाना होता है तो जाएंगे। अगर रामनवमी में गेहूँ कट जा रहा है तो चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो रामनवमी हो जाता था उसके बाद गेहूँ कटता था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि सब गेहूँ हो गया है मेरे पास का, अगल बगल का सबका हो गया, तो मुझे लग रहा है कि नवमी तक कटना स्टार्ट हो जाएगा बस, या फिर नवमी के 5 दिन बाद भी कट के ख़त्म भी हो जाएगा। तो यही सीन है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब जा रहे हैं घर पे, दीदी तभी से जगा रही हैं, मैं सोया था, अभी उठा हूँ, आया पीछे घूमने के लिए ऐसे ही। अब जा रहा हूँ, नाश्ता वास्ता मतलब ब्रश व्रश करेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होएंगे, फिर नाश्ता वास्ता बनाएंगे दीदी कुछ खाए होंगे, उसके बाद नहा वहा करके फिर कहीं जाना होगा तो जाएंगे। वो दोस्त वोस्त फ़ोन करेंगे तो जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखना क्या होता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:30 होने वाला है, और मैं जा रहा हूँ दीदी क्या कुछ काम है, गाड़ी सर्विसिंग कराने जाना था, तो अभी कैंसिल हो गया। जाते वहाँ पे दीदी के यहाँ से होकर के आएंगे, उसके बाद से जाएंगे फिर, देखो। और टाइम से आ गए तो गाड़ी सर्विसिंग कराने जाएंगे, और टाइम से नहीं आए तो कल कराएंगे, गाड़ी सर्विसिंग कराना ज़रूरी है, ठीक है। तभी किसी नहीं है, जा रहे हैं वहाँ पे, तो बन रहना वीडियो में, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई दीदी क्या, मैं आया था, गया था थोड़ा मार्केट, सामान वामान लेके आया हूँ, और चूल्हा बनवाना था, बहुत ज़रूरी था, बनवा लिया हूँ, और घर पर आ गया हूँ। इन लोगों को देखो, ये दीदी की बड़ी लड़की, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? शिवानी। और तुम अपना नाम बताओ? शेफा। ये छोटी वाली क्या नाम है? शेफा। और तुम्हारा नाम क्या है बाबू? आदित्य। यहाँ बन रहा है,
की चल दीदी है हमारी, तो यहाँ चल रहा है बच्चों के साथ मस्ती, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबसे वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। नो तुम किस में पढ़ती हो? दो। कौन सा क्लास? अच्छा दो। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कितने साल का हो तुम बताओ? चलो बताओ। सात साल। कितने साल के हो? सात साल। तुम कितने साल के? आठ साल के। और तुम्हारा नाम क्या है? अभी तो बताइयो। अभी बताइयो। गुड़िया। ओह माय गॉड, अलग अलग नाम है तुम लोग का। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? नागिन। ओह माय गॉड, बाबू इधर देख रहा है, खेल रहा है। आदित। आदित कृष्णा लल्ला लल्ला। आदित कृष्णा लल्ला। अब बोलो। आदित कृष्णा लल्ला। आज पढ़ने गई थी? हाँ। तुम? हाँ। कौन सी क्लास में? आंगनबाड़ी में। डेली पढ़ने जाती हो? अब हम एक में नाम लिखा था। कब? एक में। कब? काल लिखा गई। बड़ होखी की तब आई पर तुम नाम ना कर। तुम कविता सुनाओ। चलो यहां खड़ा हो जाओ, यहां खड़ा हो और उधर जाओ। मछली जल की सुनाओ। हां, जो भी आ रहा है तो सुनाओ। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। और डालोगे तो तैर जाएगी, दाना खिलाओगे तो खा जाएगी। वो नहीं, दूसरा कुछ और। ये हो गया गुड। मम्मी गुड। और दूसरा कुछ? और दूसरा कविता नहीं याद है? कल ये ठीक नहीं है। वन टू याद है? हाँ। कितना याद है? 50। वन टू 50 तक याद है? पढ़ाओ। एक दो। चलो ठीक है, बाद में सुनेंगे। सुबह आज अभी टाइम हो गया 5:30। हमें दीदी के यहाँ से अभी आ रहा हूँ, जस्ट ला के कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया हूँ, मतलब उन जीन्स वंस जूता वूता जो भी था निकाल लिया। अब आ गया हूँ मैं अपने खेत में पीछे ऐसे ही घूमने के लिए। और आज सर्विसिंग नहीं करा पाया बाइक का, क्योंकि उधर से आने में लेट हो गया, 5:30 हो रहा है। इस टाइम से जाऊँगा तो सर्विसिंग नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, रात हो जाएगा, तो रात में नहीं होगा। कल जाएंगे अब सुबह में 10-10 बजे करीब में, खाना वाना खा करके जाएंगे और सर्विसिंग करा कर फिर लेके आएंगे। मतलब सर्विसिंग कराना ज़रूरी है, वैसे चेंज पैकेट उसका ख़राब हो गया है, तो देखो और कहेंगे तो चेंज करा देंगे, अदरवाइज कुछ और ख़राब होगा तो बना देंगे। तो कल चलेंगे, अभी तो आज का सीन यही है, घर पे हूँ, ला गया हूँ, दीदी के यहाँ गया था, सामान वामान लाना था, बहुत और कुछ काम था, ऐसे ही हो गया है सब। ला गया हूँ घर पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।